हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? वेलकम टू दिस सेशन। माय नेम इज डॉक्टर कविता रावत, यू आर इंग्लिश टीचर फ्रॉम आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर नेक्स्ट टॉपिक इन ग्रामर, दैट इज पार्ट्स ऑफ स्पीच। इससे पहले बच्चों हमने सेंटेंसेस करा था, आर्टिकल्स करे थे, तो आज हम जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच करेंगे। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच कितने होते हैं बच्चों? 8 होते हैं। वन बाय वन जो है हम इनको करेंगे। तो आज हम नाउन करेंगे, पहले हम डिस्कस करेंगे 8 पार्ट ऑफ स्पीच और लेटर वी विल डिस्कस नाउन। क्लियर? तो आज अभी हम इसको स्टार्ट करते हैं। सारे बच्चे फोकस करें, क्योंकि अगर आपकी ग्रामर स्ट्रांग होगी तो आगे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। लेट्स गो टू स्मार्ट बोर्ड स्क्रीन। बच्चों ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ग्रामर में, दैट इज योर 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच कितने होते हैं बच्चों? 8 होते हैं। क्लियर? तो वन बाय वन हम जो है इनको डिस्कस। नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव्स, एडवर्ब्स, प्रेपोजिशन, कंजंक्शन एंड इंटरजेक्शन। तो 8 हमारी क्या है? पार्ट्स ऑफ स्पीच है। और हर पार्ट ऑफ स्पीच की अपनी एक वैल्यू होती है, यू नो, सेंटेंस में अपना एक इम्पोर्टेंस होती है। और यू कैन से विदाउट, अगर हम नाउन नहीं यूज करेंगे या प्रोनाउन यूज नहीं करेंगे, एडजेक्टिव, एडवर्ब्स, प्रेपोजिशन, कंजंक्शन, तो एक हमारा जो है कम्प्लीट सेंटेंस जो है नहीं बनता है, राइट? तो ये पार्ट्स ऑफ स्पीच वी यूज इन अ सेंटेंस टू मेक अ पैरा। ठीक है, तो हम पढ़ेंगे नाउन। आपने भी पढ़ा, इसमें भी आपको पढ़ाया है। तो नाउन क्या होते हैं, अभी हम इसी को जो है, क्योंकि 7th क्लास में भी पूरे हमें पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ने हैं, तो लेट्स डिस्कस नाउन। तो बच्चों नाउन क्या है? कोई भी पर्सन, प्लेस हो गई, आप लोगों ने पढ़ी होगी, पहले एक डेफिनेशन पढ़ी होगी। नाउन इज द नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस और थिंग। पर्टिकुलर अगर हम किसी प्लेस की बात करते हैं, अगर पर्टिकुलर हम किसी पर्सन की बात करते हैं या पर्टिकुलर किसी थिंग की बात करते हैं, तो दैट इज योर नाउन। आपका नाम क्या है? नाउन। आप जहाँ पे पढ़ते हैं स्कूल, क्या है? नाउन। नाउन भी जो है डिफरेंट टाइप के होते हैं। जो है प्रॉपर नाउन होता है, कॉमन नाउन होता है, मटेरियल नाउन होता है, राइट? तो कलेक्टिव नाउन होता है। तो इसको हम जो है वन बाय वन जो है नाउन को डिटेल में पढ़ेंगे। तो नाउन क्या है? इज द नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस और थिंग। एक जो जनरल हमारी डेफिनेशन होती है नाउन की, जो आपने, और हिंदी में भी आपने पढ़ा होगा कि संज्ञा क्या होती है, संज्ञा की डेफिनेशन पढ़ी होगी। क्लियर? तो नाउन क्या है बच्चों? संज्ञा। नाउन सारे पार्ट ऑफ कंप्राइज वर्ड्स दैट आर यूज टू नेम पीपल, प्लेस, पर्सन, प्लेस, क्वालिटी। अब हमने क्या ऐड करा है इसमें? क्वालिटी, ऑब्जेक्ट्स और थिंग, कंडीशन एंड एक्शन। सारे जो है हम पढ़ेंगे कि प्लेस में कौन आता है या पीपल में क्या आता है, एनिमल्स में क्या आता है, ये क्वालिटी की बात करते हैं हम। तो किस तरह से हम यहाँ पे नाउन को डिफरेंशिएट करेंगे, तो लेट्स डिस्कस। ऑलमोस्ट एवरी सेंटेंस विल डेफिनेटली हैव अ नाउन। कोई भी सेंटेंस अगर पढ़ते हैं, अगर नाउन नहीं है तो आपको पता नहीं चलेगा कि हम किसके बारे में बात। यूज नाउन एंड दे परफॉर्म डिफरेंट रोल्स इन अ। एग्जांपल्स ऑफ नाउन, अगर हम पीपल की बात करते हैं अकॉर्डिंग टू योर डेफिनेशन, तो पीपल क्या होते हैं? आपका नाम हो गया राहुल, शीला, मैन, पर्सन, टॉमी, वुमेन। एनिमल अगर हम नाम करेंगे, राइट? एनिमल्स, बर्ड्स, एक्वेटिक एनिमल्स, रेप्टाइल्स, सारे क्या हमारे नाउन है। अगर हम बात करें कोई भी आपका या बारे में हम बात करेंगे, प्लेसेस हो गया, आप बैंगलोर, इंडिया, मेक्सिको, नॉर्थ पोल, साउथ पोल, साउथ अफ्रीका, कोई रिवर हो गई, नाइल रिवर है, ब्रह्मपुत्र है, राइट? कोई भी रिवर का नाम है, प्रॉपर नाउन में आ जाता है। ये आपका क्लासरूम है या बेडरूम है, बास्केटबॉल कोर्ट है, ये क्या है? सारी प्लेसेस हैं। क्रिकेट ग्राउंड है या स्विमिंग पूल है, राइट? एनिमल्स और बर्ड्स और एक्वेटिक एनिमल्स की बात करेंगे, लायन, जेब्रा, स्नेक, ऑस्ट्रिच, कोई भी एनिमल्स है या बर्ड है, वो भी क्या है? हमारा नाउन है। कंडीशन एंड स्टेट, कंडीशन और स्टेट क्या होता है बच्चों? जैसे आपका क्या है? चाइल्डहुड है, बचपन, या ब्रेवरी, बहादुरी के लिए, इलनेस, तो दैट इज योर कंडीशन है या स्टेट है, ये भी क्या है? हमारा नाउन है। ऑब्जेक्ट और थिंग्स की बात करते हैं, अगर आपका
जो है साइकिल आपकी अपनी है, तो वो भी क्या है, नाउन है, कर्टेंस है, या पेपर है, आपका स्कूल बैग है, ब्लैक बोर्ड है, कबर्ड्स है, ये भी क्या है, हमारे ऑब्जेक्ट्स हैं, एक्शन और मूवमेंट्स, जितने भी हमारे जो है एक्शन होते हैं या मूवमेंट्स होते हैं, यस, तो वो भी क्या हमारे नाउन है, टाइप्स ऑफ नाउन। अब नाउन कितने तरीके के होते हैं, ये चीजें जो है यहाँ पे क्या करी हैं, डिस्क्राइब करी हैं, तो उसी इसमें एनिमल्स, कंडीशन और एक्शन, एक्शन मीन्स जैसे हम, वो भी क्या है हमारा एक्शन है, तो ये सारे क्या है नाउन्स हैं। तो अब हम पढ़ेंगे बच्चों टाइप्स ऑफ नाउन, नाउन कितने टाइप्स के होते हैं। प्रॉपर नाउन भी हम एक टेबल में पढ़ेंगे कि लेटर डिस्कस का डेफिनेशन, यहाँ पे एक, यहाँ पे ये दिख, आप लोग सब नाउन कितने काउंटेबल होते हैं और अनकाउंटेबल होते हैं। काउंटेबल का मतलब क्या होता है, जिनको काउंट कर सकते, और अनकाउंटेबल मीन्स जिनको हम काउंट नहीं कर सकते। काउंटेबल नाउन्स में कौन कौन से आते हैं, हमारा प्रॉपर नाउन आता है, कॉमन नाउन आता है, और कलेक्टिव नाउन, क्लियर। कलेक्टिव नाउन को हिंदी में क्या बोलते हैं, समूहवाचक, कॉमन नाउन, और प्रॉपर नाउन क्या होता है, व्यक्तिवाचक, कॉमन नाउन मीन्स जातिवाचक। हिंदी में भी आप यही पढ़ते हैं, वही हम वी आर गोइंग टू लर्न इन अनकाउंटेबल नाउन। काउंटेबल सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे, फर्दर डिवाइडेड इन प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन और कलेक्टिव। अब आपका नाम है, अगर आप अपना नाम लेते हैं तो वो क्या है, प्रॉपर नाउन, क्योंकि मैं एक व्यक्ति के प्रॉपरली जो है प्रॉपर यूज कर रही हूँ, राइट, व्यक्तिवाचक के बारे में बात कर रही हूँ, या मोहन के बारे में बात कर रही हूँ, या सीता के बारे में बात कर रही हूँ, दैट इज योर प्रॉपर नाउन। अगर मैं यहाँ पे बोलूंगी किसी प्लेस की, प्रॉपर प्लेस की बात करूंगी, तो उसको भी हम क्या बोलेंगे, नाउन बोलेंगे, प्रॉपर नाउन, क्योंकि मैं दिल्ली की बात कर रही हूँ, देहरादून की बात कर रही हूँ, या कोई और जो है प्लेस की बात करूंगी, तो दैट इज योर प्रॉपर नाउन, क्योंकि मैं पर्टिकुलर एक प्लेस की बात कर रही हूँ, क्लियर। अगर पर्टिकुलर मैं किसी ना किसी का नाम लूंगी, दैट इज ऑल्सो योर प्रॉपर नाउन। थर्ड थिंग क्या है आपकी, पार्कर पेन, अगर मैं पर्टिकुलर किसी पेन की बात करूंगी, दैट इज योर प्रॉपर नाउन। अगर मैं सिंपल बोलूंगी पेन, तो मैं सारे पेन के लिए बोल रही हूँ, एक वर्ड यूज कर रही हूँ, दैट इज योर पेन, वो क्या होगा, कॉमन पेन। अगर मैं पर्टिकुलर बोलूंगी सेलो पेन या पार्कर पेन बोलूंगी, तो इट इज योर प्रॉपर नाउन, क्लियर। तो प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन, नेक्स्ट इज बॉय, अगर मैं एक वर्ड यूज करूंगी बॉय, तो दैट इज योर कॉमन बॉय, क्योंकि कॉमनली वी यूज वन वर्ड, दैट इज योर कॉमन। सिमिलरली अगर मैं सारे पेन के लिए एक वर्ड यूज करूंगी, तो क्या होगा, वो पेन होगा, कॉमन, कॉमनली वी यूज वन वर्ड, दैट इज योर पेन। अगर मैं पर्टिकुलर यूज करूंगी, जैसे अभी मैंने प्रॉपर नाउन में बताया, तो दैट इज योर प्रॉपर नाउन। अगर मैं स्कूल की बात करती हूँ, क्या है प्लेस, क्लियर, क्या है प्लेस है, बट बहुत सारे स्कूल है, अगर मैं पर्टिकुलर किसी स्कूल की बात करूंगी, दैट इज योर प्रॉपर नाउन। अगर मैं सिंपल स्कूल के बारे में बात करूंगी, तो दैट इज योर कॉमन नाउन। थर्ड वन इज योर कलेक्टिव नाउन, अब इनको हम काउंट कर सकते हैं, काउंटेबल नाउन, काउंट कर सकते हैं आप, मैन को काउंट कर सकते हैं, बॉयज को काउंट कर सकते हैं, पेन को काउंट कर सकते हैं, स्कूल के नंबर्स को काउंट कर सकते हैं, दैट इज व्हाई इट कम्स अंडर द हेडिंग काउंटेबल नाउन। नेक्स्ट इज योर कलेक्टिव नाउन, मीन कलेक्टिव का मतलब क्या है, समूहवाचक, अपराइट ऑफ लाइंस, अगर बहुत सारे लाइंस होते हैं तो हम ग्रुप ऑफ लाइंस नहीं बोलते हैं, उनके लिए वर्ड यूज करते हैं अपराइट ऑफ लाइंस। अ बैंड ऑफ म्यूजिशियंस, अगर बहुत सारे म्यूजिशियंस हैं तो हम क्या बोलते हैं, बैंड ऑफ म्यूजिशियंस। ए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, राइट, तो हम जो है यहाँ पे क्या है, इसको बोलते हैं हम कलेक्टिव नाउन, समूह वाचक, कि हम जो है बहुत सारे जो है लाइंस के लिए एक वर्ड यूज करें, दैट इज योर प्राइड, कलेक्टिवली वी यूज वन वर्ड, दैट इज कॉल्ड योर कलेक्टिव नाउन। तो हमने काउंटेबल नाउन इज फर्दर डिवाइडेड इन प्रॉपर नाउन, अगर हम प्रॉपर पर्सन की बात करेंगे, या प्रॉपर प्लेस की बात करेंगे, या प्रॉपर कोई थिंग की बात करेंगे, दैट इज योर प्रॉपर नाउन। अगर हम कॉमनली कोई वर्ड यूज करेंगे, गर्ल, मैन, वुमेन, तो ये किस में आएगा, आपका कॉमन नाउन में, कलेक्टिव
noun, a pride of lions, a band of musicians, a board of directors. Next is the uncountable noun. हम जो है काउंट नहीं कर सकते. फॉर एग्जाम्पल एब्स्ट्रैक्ट काउंट क्या होता है हिंदी में, क्या बोलते हैं हम इसको, भाववाचक. तो आप क्या किसी की काइंडनेस को आप काउंट कर सकते हैं? नहीं कर सकते. थिकनेस, मोमेंट, ये सारे क्या हमारे एब्स्ट्रैक्ट नाउन है. सिमिलरली मटेरियल नाउन, गोल्ड है, सिल्वर है, कॉटन है, हम इसको काउंट नहीं कर सकते. तो मटेरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन एंड मटेरियल. अब हम जो है अभी हमने ये आप लोग और लेटर हम एक एक करके जो डेफिनेशन पढ़ेंगे, पहले कॉमन नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन एंड मटेरियल नाउन. तो अभी हमने क्या पढ़ा बच्चों, नाउन की डेफिनेशन पढ़ी. नाउन कितने टाइप्स के होते हैं? काउंटेबल होते हैं, अनकाउंटेबल होते हैं, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन एंड अनकाउंटेबल. Noun is further divided into that is your abstract noun and material noun. So yes, आप लोग note. अभी हम क्या पढ़ेंगे बच्चों? Proper noun. Proper noun क्या होता है बच्चों? Nouns that are used. सारे बच्चे ध्यान से देखें कि proper noun क्या होता है. Nouns that are used to name a person. उनकी बात करेंगे या place. जगह की बात करेंगे या कोई आपकी थिंग है उसकी बात करेंगे. स्पेसिफिकली क्या वर्ड यूज हुआ है यहाँ पे? स्पेसिफिकली दैट इज कॉल्ड योर प्रॉपर नाउन. प्रॉपर नाउन जो है ऑलवेज बिगन विथ कैपिटल लेटर. तो ये भी ध्यान रखें कि अगर हम प्रॉपर नाउन करते हैं तो उसको किससे स्टार्ट करेंगे? हम कैपिटल लेटर से. फॉर एग्जाम्पल आपने बोला कि माई नेम इज, जो भी आपका नाम है, रश्मि, रीता, सीता, तो हम क्या बोलेंगे? माई नेम इज रश्मि या रीता, या बॉयज बोलेंगे माई नेम इज मोहन, सोहन. तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं हम? टॉकिंग अबाउट ए पर्टिकुलर पर्सन. हम पर्टिकुलर मोहन की बात कर रहे हैं या पर्टिकुलर रोज की बात कर रहे हैं, पर्टिकुलर सीता की बात कर रहे हैं, तो ये क्या कहलाएगा? आपका प्रॉपर नेम. क्या कहलाएगा आपका? प्रॉपर नेम. वी आर टॉकिंग अबाउट ए पर्टिकुलर पर्सन. नेक्स्ट है अगर हम किसी एनिमल की बात करते हैं, पर्टिकुलर हो, दिस इज माई डॉग ब्रूनो, दिस इज माई डॉग, जो भी नाम है, बूजो, तो आप क्या बोलेंगे? यहाँ पे मैंने अपने बताया है पर्टिकुलर स्पेसिफिक पेट एनिमल का नाम बताया है, तो प्रॉपर नाउन. नेम ऑफ ए स्पेसिफिक पेट एनिमल ओन बाय सम. डेविड केम बैक फ्रॉम दिल्ली. अब डेविड, यहाँ पे हम प्लेस की बात कर रहे हैं, डेविड भी आपका नाम है, बट यहाँ पे हम क्या बता रहे हैं आपको? प्लेस की बात बता रहे हैं कि यहाँ पे हमने क्या करा है? पर्टिकुलर प्लेस की बात करी है, स्पेसिफिक प्लेस की बात करी है, दिल्ली की बात करी है. देहरादून लिखेंगे तो डेविड केम बैक फ्रॉम देहरादून, तो देहरादून क्या होगा आपका? स्पेसिफिक प्लेस है, तो दैट इज योर प्रॉपर नाउन, क्योंकि हम प्रॉपर प्लेस की बात कर रहे हैं. तो इस द फेमस ब्रांड ऑफ मेंस क्लोथिंग. अगर कपड़ों की कोई भी ब्रांड है, नारो है, तो कोई भी है आपकी, तो उसको क्या बोलेंगे हम? प्रॉपर नाउन. या कोई आपकी अभी थिंग की बात करेंगे, कोई थिंग है, प्रॉपर थिंग है, जैसे अभी हमने पेन की बात करी है, अगर हम सेलो पेन बोलेंगे या पार्कर का पेन बोलेंगे, तो दैट इज योर होगा वो प्रॉपर नाउन. कोई प्रॉपर या स्पेसिफाई करेंगे, पर्टिकुलर हम वी आर टॉकिंग अबाउट अ पर्सन, प्लेस और थिंग की बात करेंगे, तो दैट इज योर प्रॉपर नाउन. ठीक है, तो हमने जो यहाँ पे डेफिनेशन लिखा है, अकॉर्डिंग टू योर डेफिनेशन, पर्सन, प्लेस और थिंग, व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट, जब भी हम बात कर रहे हैं या करते हैं, तो उसको हम बोलेंगे प्रॉपर नाउन. तो दिस इज योर प्रॉपर नाउन. और सिंपल सा अगर हम कॉमन नाउन की बात करेंगे, तो अगर हम यहाँ पे पिक्चर्स के थ्रू आपको बताने की कोशिश करें, सो दैट आपको जो है पूरा क्लियर हो जाए. फैक्ट, कॉमन नाउन्स आर दोज नाउन्स दैट रेफर टू ए जेनेरिक आइटम, ग्रुप ऑफ प्लेस. दिस मीन्स दैट लाइक प्रॉपर नाउन्स, दे आर नॉट यूज्ड टू आइडेंटिफाई स्पेसिफिक पीपल. तो कॉमन नाउन में क्या होता है कि हम जो है पर्टिकुलर जो है किसी के बात नहीं कर रहे हैं, हम कॉमनली हम दिस वर्ड इज यूज्ड. तो कॉमन नाउन्स आर नॉट कैपिटलाइज्ड,
हम इनको कैपिटल लेटर से यूज नहीं करते। सीता को हम ऐसे कैपिटल लेटर करेंगे क्योंकि वो प्रॉपर नाउन है। अगर हम गर्ल को बोलेंगे तो जी क्या होना चाहिए, जो क्या होना चाहिए बच्चों, स्मॉल लेटर, नॉट कैपिटल लेटर, राइट। तो कॉमन नाउन्स आर नॉट, ये आप याद रखें कि कॉमन नाउन्स क्या होते हैं, दे आर नॉट कैपिटलाइज्ड अनलेस दे अपीयर एट द बिगिनिंग ऑफ सेंटेंस। अगर सेंटेंस के शुरू में अगर यूज नहीं होता तो कॉमन जो है कैपिटल में ही करेंगे। कॉमन नाउन्स क्या होते हैं, हम पर्टिकुलर किसी ग्रुप की बात नहीं करेंगे, पर्टिकुलर किसी आइटम की बात नहीं करेंगे, पर्टिकुलर की बात, दैट इज व्हाई इट इज अ कॉमन नाउन। आई वॉच जापान, अगर डिफरेंस देखें दोनों में, प्रॉपर नाउन में और कॉमन नाउन में, बच्चों ध्यान से देखें, अगर मैं बोलूंगी आई वॉच ए सेलो पेन, तो सेलो पेन क्या हो जाएगा, सेलो क्या हो जाएगा, एक ब्रांड की बात कर रही हूँ मैं, वो हो जाएगा हमारा प्रॉपर नाउन क्योंकि प्रॉपर की बात कर रही हूँ, एक पेन की बात, राइट। तो नाम बता रही हूँ, बट यहाँ पे क्या कह रही है, आई बॉट अ पेन यस्टरडे, कि मैंने एक पेन खरीदा कल, इसमें क्या है पेन, तो मैंने कोई सा भी स्पेसिफाई नहीं किया है कि मैंने पार्कर का सेलो का पेन लिया, दैट इज व्हाई। और आप ये भी देखें यहाँ पे, यहाँ पे हमने कैपिटल लेटर को यूज नहीं किया, राइट। आई एम गोइंग टू स्कूल, स्कूल क्या है कॉमन, ये हम सारे स्कूल के लिए, मैंने ये नहीं लिखा आई एम गोइंग सेंट जोसेफ, आई एम गोइंग टू GIC, आपका जो भी नाम है स्कूल, पब्लिक स्कूल, क्लियर, या आई एम गोइंग टू GIC गवर्नमेंट गर्ल्स इंटर कॉलेज। तो यहाँ पे मैंने स्पेसिफाई नहीं करा है, कॉमनली मैंने एक वर्ड यूज करा है स्कूल कॉमन। यहाँ पे ओनली 10 एम्प्लॉयज शोड अप टू वर्क टुडे, तो यहाँ पे एम्प्लॉयज, अब कोई भी एम्प्लॉय हो सकता है, तो यहाँ पे हमने जितने भी वहाँ पे काम करते हैं सबके लिए क्या वर्ड यूज करा है, एम्प्लॉय। द कार इज आउट ऑफ, तो कार कोई सी भी कार हो सकती है, क्लियर। तो कोई सी भी कार यहाँ पे मैंने नहीं किया आपका कॉमन नाउन। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कॉमन नाउन अ प्लेस, पर्सन, प्लेस और थिंग, तो गर्ल, प्लेस, बीच, पेंसिल क्या हो गया आपकी, ऑब्जेक्ट या थिंग हो गए। यहाँ पे पिक्चर में देख सकते हैं, यहाँ पे बताया गया है ये सारे क्या है कॉमन नाउन है, गर्ल क्योंकि बहुत सारी लड़कियों के लिए, यहाँ पे आपने नोटिस किया है कि यहाँ पे हमने कैपिटल लेटर्स को यूज नहीं कराया है, ये आपके हो गई पर्सन, प्लेस और दिस इज योर ऑब्जेक्ट, क्लियर। क्या आपका पर्सन, प्लेस और थिंग या ऑब्जेक्ट, क्लियर। नेक्स्ट है सिंगुलर नाउन्स, सिंगुलर नाउन क्या होते हैं, प्लूरल नाउन्स क्या होते हैं, दीज आर वर्ड्स दैट आर यूज्ड टू नेम अ सिंगल पर्सन, प्लेस, एनिमल, बर्ड और ऑब्जेक्ट। अगर मैं बोलूंगी बॉय, अब बॉय क्या है कॉमन नाउन है, बट हम एक लड़के की बात कर रहे हैं, बॉयज नहीं कह रहे हैं, अगर हम बॉयज बोलेंगे तो क्या हो जाएगा, वो प्लूरल हो जाएगा, दैट मीन्स वन। There is a little boy in front of our house. एक छोटा लड़का है जो मेरे घर के सामने खड़ा है। That is my daughter. The person. I found a sparrow. I found a wounded sparrow in the bush. Sparrow देखी? In the bush, झाड़ियों में। चल है ये भी। A red van has been following us for a long. Baby, मैं एक गाड़ी की बात पर कह रही हूँ, van की। तो ये भी क्या है आपका सिंगल ऑब्जेक्ट। अब प्लूरल नाउन्स में देखते हैं, कॉमन नाउन नहीं, सिंगुलर नाउन, प्लूरल नाउन्स क्या है, रेफर टू ए नंबर ऑफ पीपल, प्लेसेस, एनिमल्स और थिंग्स। नाउन्स आर मेड प्लूरल बाय एडिंग एस और ईएस, आईएस और बी, द एग्जिस्टिंग रूट वर्ड, जो बेस वर्ड होता है, यस, ऐड करके हम प्लूरल फॉर्म बनाते हैं। So let's see. I need some apples. Apple में हमने क्या use कर दिया S. क्या बन गए? Plural हो गए कि हमें जो है कुछ सेबों की जरूरत है।
डिड यू फाइंड द बॉक्स से? एक होगा बच्चों बॉक्स, ज्यादा हो गए तो क्या हो गया बॉक्सेस। आई बॉट मैंगोज फ्रॉम द, क्या लाया बाजार से मार्केट में मैंगोज। वी टुक फोटोज ऑफ सम डियर ऑन आवर वे। डियर जो है ये प्लूरल ही होते बोलते हैं, तो वर्ड जो है अपने आप में क्या है प्लूरल है डियर ऑन आवर वे। वी टुक फोटोज, ये फोटोज भी क्या है हमारा फोटोज ऑफ सम डियर ऑन आवर वे। बहुत सारे जो है हिरन के लिए भी हम क्या करते हैं वन वर्ड है दैट इज योर डियर, डियर्स नहीं होता है। तो यहाँ पे हमने देखा कि अगर दो लड़के हैं क्या हो जाएगा बॉयज, एक होगा तो बॉय। सिमिलरली गर्ल्स गर्ल, वुमेन और वुमेन में डिफरेंस रहता है। तो सिंगुलर एंड प्लूरल नाउन कैसे बनाते हैं हम, बाय एडिंग एस ई एस आई एस। क्लियर? तो आई होप इतना समझ में आ गया होगा आपको कॉमन नाउन क्या होते हैं, प्रॉपर नाउन क्या होते हैं, सिंगुलर और प्लूरल को हम सेंटेंस में भी यूज सिंगुलर एंड प्लूरल नाउन। क्लियर? नेक्स्ट है आपका काउंटेबल नाउन। तो हम बता था कि काउंट करते हैं तो इसी को जो है उनको पढ़ रहे हैं, प्रॉपर और कॉमन नाउन को हम पढ़ चुके हैं। काउंटेबल नाउन जिनको हम क्या कर सकते हैं काउंट करते थे गिन सकते हैं। काउंटेड का मतलब क्या होता है काउंटेड, कैन बी काउंटेड और मेजर्ड। टॉम ब्रॉट 10 पैकेट्स ऑफ लेस फॉर द ट्रिप। स्पेसिफिक नंबर हमने 10 पैकेट्स। टॉम आस्क्ड मी टू बाय अ डजन एग्स। 12 तो हम उनको गिन सकते हैं, स्पेसिफिक मैंने यहाँ पे नंबर बताए हैं। आई सॉ एन एरोप्लेन अराउंड 7 इन द मॉर्निंग। एन एरोप्लेन मीन्स वन एरोप्लेन के हम डजन मीन्स 12। अनकाउंटेबल आर दोज नाउन्स दैट कैन नॉट बी काउंटेड। कैन बी काउंटेड मीन्स काउंट कर सकते हैं, कैन नॉट बी काउंटेड मीन्स वो काउंट नहीं कर सकते। आई हैव अ लॉट ऑफ होमवर्क टू डू, तो इसमें स्पेसिफाई नहीं है कि बहुत सारा है जिसको काउंट नहीं कर सकते। आई हैव अ कप ऑफ टी, टी को क्या आप काउंट कर सकते हैं नहीं। वेदर टुडे, वेदर को भी हम नहीं काउंट कर सकते हैं। ठीक है, अभी हम इनको डिटेल में भी पढ़ेंगे। तो मटेरियल नाउन, द नाउन विच डिनोट्स मटेरियल, एग्जांपल गोल्ड सिल्वर कॉटन स्टील। एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है, द नाउन विच डिनोट्स क्वालिटी कंडीशन और एक्शन। इनको हम नहीं देख सकते, खाली फील कर सकते, वी कांट सी टेस्ट स्मेल हियर एंड इवन टच। क्वालिटी मीन्स काइंडनेस हो गया आपका, सिकनेस स्टेट क्या हो गया, सिकनेस हो गया, चाइल्डहुड हो गया, यूथ हो गया, स्लेवरी हो गया। एक्शन मीन्स अगर हम हंस रहे हैं, लाफ्टर है, फाइट है, ये सारे क्या है हमारे एक्शन है। क्लियर? तो ये क्या है हमारे काउंटेबल है जिनको गिन नहीं सकते, और ये क्या है हमारा काउंटेबल। क्लियर? कलेक्टिव नाउन, हमने प्रॉपर नाउन पढ़ लिया, कॉमन नाउन पढ़ लिया, थर्ड क्या है काउंटेबल नाउन में कलेक्टिव नाउन। अ कलेक्टिव नाउन इज अ नेमिंग वर्ड दैट इज यूज्ड नोट अ ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट्स, अगर बहुत सारे जो है ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट्स हैं, या एनिमल्स हैं, या आपके पीपल हैं, उनके लिए क्या वर्ड यूज। लेट्स सी, कलेक्टिव म्यूजिशियन और ग्रुप ऑफ ए प्राइड ऑफ लाइंस। Collective noun as a group of animals. A pride of lions. अब यहाँ पे क्या? But हमने उनके लिए एक word use, that is the pride. Pride of lions. अब बहुत सारे musicians हैं, इनके लिए हमने एक word बैंड ऑफ म्यूजिक। हम ये नहीं बोलेंगे ग्रुप ऑफ म्यूजिशियंस नहीं बोलेंगे, ग्रुप ऑफ लाइंस नहीं बोलेंगे, तो आपका जो है अगर आप यूज करेंगे ये सेंटेंस तो दैट इज योर रॉन्ग। हम क्या बोलेंगे प्राइड ऑफ लाइंस, आई सॉ प्राइड ऑफ लाइंस। क्लियर?
बैंड ऑफ म्यूजिशियंस, यहाँ पे प्राइड ऑफ लाइन्स, अ फ्लॉक ऑफ शीप, आपको बस भी होता है, ए स्वार्म ऑफ बी, अ हर्ड ऑफ एलिफेंट। बीस का जो झुंड होता है सारी मधुमक्खी आप देखा होगा, इसके लिए वन वर्ड यूज करते हैं, द स्वार्म ऑफ, अ स्वार्म ऑफ बीस, अ हर्ड ऑफ एलिफेंट्स, बहुत सारे एलिफेंट्स आते हैं तो हम क्या बोलते हैं, ए हर्ड ऑफ एलिफेंट। सिमिलरली अगर हम पीपल की बात करें, ए बैंड ऑफ म्यूजिक, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, क्यू ऑफ सेलर्स, कंपनी ऑफ एक्टर्स, क्लियर। तो अगर एनिमल्स के लिए करना है तो कौन से वर्ड यूज करने हैं, या पीपल के लिए यूज करना है कौन से वर्ड्स यूज करने हैं, तो ये आपके लैंग्वेज की बुक में बहुत सारे दिए हैं तो वहां से आप उसको लर्न कर सकते हैं। यहाँ पे दिखाए फ्लॉक ऑफ बर्ड्स के लिए हम क्या यूज करते हैं, फ्लॉक ऑफ बर्ड्स, या फ्लॉक ऑफ शीप के लिए भी हम फ्लॉक वर्ड यूज करते हैं कि चिड़िया बहुत सारी बैठी हैं तो हम क्या बोलेंगे, ए फ्लॉक ऑफ बर्ड्स, राइट। तो यहाँ पे आप नोट करें तो हम यहाँ पे अगर ए लिखेंगे तो डोंट यूज कैपिटल लेटर, कहते हैं अ प्राइड ऑफ प्राइड ऑफ लाइन्स, A band of musicians, a flock of birds, ठीक है। आपको पिक्चर में दिखा बट हमने जो है यहाँ पे क्या वर्ड यूज करा, प्राइड। यहाँ पे बहुत सारे म्यूजिशियंस हैं बट हमने एक वर्ड यूज करा, दैट इज योर अ बैंड ऑफ म्यूजिशियन, ए ग्रुप ऑफ म्यूजिशियन। डोंट यूज ग्रुप वर्ड फॉर, बहुत सारे अगर म्यूजिशियंस हैं तो डोंट यूज ग्रुप, राइट। अगर बहुत सारे जो हैं सेलर्स हैं तो सेलर्स, अगर बहुत सारे डायरेक्टर्स हैं क्या बोलते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, अ बैंड ऑफ म्यूजिशियन, अ हर्ड ऑफ एलिफेंट, अ फ्लॉक ऑफ शीप, अ फ्लॉक ऑफ बर्ड्स, अ प्राइड ऑफ लायंस, अ हर्ड। यहाँ पे और एग्जांपल दिया है हमने, यहाँ पे कलेक्टिव नाउंस फॉर ए नंबर ऑफ थिंग्स, अ पेयर ऑफ शू, अगर आपके शूज होते हैं तो आप क्या बोलते हैं, टू शूज तो नहीं बोलते ना बच्चों, पेयर, पेयर का मतलब क्या होता है, टू, तो कभी भी ये ना बोले और क्या बोलेंगे आप, अ पेयर ऑफ शूज, अ चेन ऑफ माउंटेन्स, अगर बहुत सारे जो है माउंटेन की एक चेन, हम क्या बोलते हैं, चेन ऑफ माउंटेन्स, आई सॉ अ चेन ऑफ माउंटेन्स, कि मैंने एक माउंटेन्स की क्या देखी, चेन देखी। अब हम शिप की बात करें तो हार्बर में तो हम क्या बोलते हैं, फ्लीट ऑफ शिप, अ बंच ऑफ ग्रेप्स, ए बंच ऑफ फ्लावर्स, आर्मी के लिए यहाँ collective noun is a name given to a collection of something sharing one common feature. तो यहाँ पे क्या army, आपने देखा होगा हम क्या word use करते हैं, army, jury, family, बहुत सारे members होते, audience, class, ये क्या है हमारे सारे collective noun है। A team of players, बहुत सारे जो players होते हैं तो क्या word use करते हैं, team, ये सारे हमारे क्या है, कलेक्टिव नाउ। तो बच्चों आज हमने जितना भी पढ़ा है, नाउन की डेफिनेशन पढ़ी है, कितने टाइप्स के नाउन होते हैं, फर्दर दे डिवाइडेड कितने में डिवाइड किया जाते हैं, प्रॉपर नाउन हमने और कॉमन नाउन और कलेक्टिव नाउन हम कंप्लीट कर चुके हैं। तो सारे बच्चे इसको रिवाइज करें घर में जाके और अच्छी तरीके से पढ़ें, और कहीं पे भी आपके समझ में नहीं आया है तो नेक्स्ट लेक्चर में यू कैन क्लियर योर डाउट्स। तो बच्चों रिवाइज जरूर करें घर में जाके, क्योंकि अभी अगर आपको ये क्लियर हो जाएंगे तो आपको नेक्स्ट क्लास में आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो बच्चों दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।